अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज है 16 जुलाई 2021। काफ़ी टाइम के बाद आज मस्जिद ओपन हुई है, क्योंकि वायरस की वजह से मस्जिद बंद थी। मैं और जूनियर जो है, हम लोग अभी नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और बाहर बारिश हो रही है चाइना में। अभी दोपहर का वक्त है, यहाँ पे जो है काफ़ी बारिश हो रही है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक ठाक है। चाइना में जो है अपने बकरीद की ईद जो है 20 तारीख को है, यहाँ पे भी तो चाइना में जो ईद होगी 20 तारीख को होगी। और ये बाहर जो है बारिश हो रही है, हम थोड़ी देर में 10 मिनट में मस्जिद पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। ये एग्जीबिशन हॉल है यहाँ पे, सिलसिले में यहाँ पे एग्जीबिशन लगती है काफ़ी। मस्जिद पहुंच गया है भाई, अभी जो है थोड़ा टैक्सी वाला भटक गया था गलत जगह पे, हम लोग आ रहे हैं। चलो जूनियर जल्दी जल्दी आओ, बारिश हो रही है, ऊपर चलते हैं। बारिश हो गई, नमाज हो गई भाई, बारिश भी रुक गई है। ये बाहर का नज़ारा है, सब नमाज पढ़ के निकलने के बाद। हाँ भाई सलाम वालेकुम, नमाज हो गई है, अभी हम लोग जा रहे हैं सबसे मिल लिए जो भी दोस्तों से। मैं और जूनियर हम लोग अभी जा रहे हैं, और ये जो है एक मस्जिद के बाजू में मुस्लिम रेस्टोरेंट है, यहाँ पे जो है कबाब वबाब अच्छा कुछ मिलता है, मैं बताता हूँ आपको। ये रेस्टोरेंट है, ये मस्जिद के बाजू में जो है मुस्लिम हलाल है, तो यहाँ पर जो है मैं आपको बताता हूँ, देखो भाई क्या क्या मिलता है। ये भट्टी है यहाँ पर जो है, इसके अंदर बकरे वकरे भूनते करते हैं, और ये रोटी है, और ये बैगन उगैन और कबाब जो है। सलाम वालेकुम, निम नालिदा गांसू, ये भाई गांसू एक जगह है, गांसू में मुस्लिम काफ़ी है, तो ये गांसू के मुसलमान हैं भाई। और ये जो है रेस्टोरेंट है, यहाँ पे कबाब वबाब काफ़ी बहुत कुछ मिलता है, पाए भी है अंदर, बताता हूँ मैं आपको। सलाम वालेकुम, ये देखो ये पूरा हलाल है, ये भी तोफू वफू जो है, ये दही है, दही पे किशमिश डाली हुई है। और ये रेस्टोरेंट में, और निहाओ ये पाए है, नहीं मैं ये पाए है, हेलो। और ये रेस्टोरेंट है, काफ़ी पूरे जो है मतलब हलाल आइटम, पूरा हलाल आइटम मिलता है, तो काफ़ी पूरे जो भी फॉरनर से नमाज के बाद में इधर खाना खाते हैं। ये देखिए कबाब रेडी हो गया, तो ये रेस्टोरेंट है। और बस ठीक है, आ जाओ भाई जूनियर, ऐसे इसके बाजू में जो है गोश्त के शॉप भी है, यहाँ पे हलाल गोश्त भी मिलता है, और यहाँ पे भी है, अमन पकड़ो, ये एक शॉप है यहाँ पे, अच्छा इसे रिनोवेट हो रही है, ये भी गोश्त की दुकान है यहाँ पे, तो अभी आई थिंक कुछ बन रही कर रही गोश्त की दुकान।
और ये भी रेस्टोरेंट को इन लोग रिनोवेट कर रहे हैं। ये भी पूरा उसी का है, वही वाले होटल वाले का है। और यहाँ पे जो है मस्जिद के करीब में सी एग्ज़िट है, जो भी अगर आप मेट्रो ट्रेन से आ रहे हैं तो जो है यहाँ पे आपको सी एग्ज़िट है, ये मेलिन स्टेशन सी एग्ज़िट से बाहर आएंगे तो आपको सीधा मॉस्क जो है यहाँ पे मिलेगी राइट साइड में। आ जाओ ज़ेब्रा लाइन अमान क्यों है, यहाँ से ज़ेब्रा लाइन क्रॉस करके जाते हैं। लेडीज़ भी नमाज़ पढ़ के जा रही है यहाँ पे। ये जो है सी एग्ज़िट है, सी एग्ज़िट से आप सीधा आएंगे, सीधा जाने के बाद राइट में मुड़ेंगे तो यहाँ पे मस्जिद है। ये झाड़ों के पास में, ये झाड़ों के पास में आपको मीनार दिख रहा होगा, वहाँ से मैं पैदल आया हूँ। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। ये मुस्लिम है चना के हवाई हूँ थोड़ा, ये लोग वो है डर रहे हैं, कर रहे हैं पता नहीं कोई वीडियो उतारा बोल के। शिवनी है यहाँ पर भी एक शॉप है, तो यहाँ पर भी कबाब हुआ मिलता है इधर। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। ये भी यहाँ पे गोश्त की दुकान है, यहाँ पे भी गोश्त मिलता है। और हम जो है आ गए, इसको कहते हैं मेलिन, ये जगह का नाम है मेलिन रोड और सी एग्ज़िट। तो ये है सी एग्ज़िट, ठीक है। और यहाँ पे शॉप है, आप अगर आपको कुछ गोश्त वोश लेना करना है तो सी एग्ज़िट से जाते ही लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे एक हलाल शॉप है, आपको गोश्त भी यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो ये छोटा सा वीडियो मेरा आज के जुमे का, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। हम अभी जा रहे हैं मेट्रो से, हम आए थे टैक्सी से। ये हो गया पास लगा के खुल गया, आ जाओ। ओके। तो हम लोग जब ही आए थे कार से आए थे, अभी हम लोग मेट्रो से जा रहे हैं। बारिश रुक गई है, जब भी लेट हो रहे थे हम लोग, अभी हम लोग जल्दी चले जाएंगे। आजा अमान। ये है मेट्रो ट्रेन मेलिन का। हमको जाना है यहाँ से, हम जाएंगे 7 नंबर पे होंगली नॉर्थ पे, होंगली नॉर्थ से चेंज करेंगे। अभी ट्रेन हमारी आने वाली है। तो ये है ट्रेन आ रही है हमारी, जैसे ही ट्रेन आती है यहाँ की लाइटें जो है एकदम एक्टिव हो जाती है। ये ट्रेन आ गई है जूनियर, चलो। चलो बेटा अंदर से। ओके। ये है ट्रेन, हेलो ट्रेन, काफ़ी फुल है, तकरीबन लोग नमाज पढ़ के घर जा रहे हैं। ट्रेन में मास्क कंपलसरी है, आपको मास्क लगा के रहना है ट्रेन में या बस में। बाहर अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन ट्रेन में आप जब तक भी है आपको देखिए हर कोई मास्क लगा के, यहाँ पे हर कोई एवरीबॉडी हर कोई मास्क लगा लेंगे। मास्क ज़रूरी है ट्रेन के अंदर। मैं और जूनियर हम लोग ठहरे हुए हैं, अभी ट्रेन आएगी। ट्रेन आ गई है, यस ट्रेन अराइव, ये ट्रेन आ गई है। अभी यहाँ से हम लोग ट्रेन चेंज करके जाएंगे। आ जाओ, लेट्स गेट इनसाइड। वाओ, यहाँ की ट्रेन में थोड़ा नीचे बॉटम अलग है, कैसे चीज़ बेटा, यहाँ की ट्रेन अलग है थोड़ा, फ्लोर्स लाल लाल एडवर्टाइजमेंट कुछ लगा हुआ है। यहाँ पे एक मजदूर है चाइना के, चाइना के मजदूर ऐसे होते हैं।
हेलो चना के मजदूर ऐसे होते हैं। हाँ तो गाइस मैं हूँ सेगा बिल्डिंग के पास में। ये है सेगा बिल्डिंग, ये ऊपर सेगा बिल्डिंग। अभी न्यूज़ में आया है कि सेगा बिल्डिंग जो है भाई स्टेबल है, ठीक है। सेगा बिल्डिंग जो है गिरने का डाउट नहीं है, तो शायद सेगा बिल्डिंग कंटिन्यू रहेगी, ऐसा मैंने न्यूज़ में देखा है। तो ये है सेगा बिल्डिंग, ऊपर आप जो देख रहे हैं ये जो डगमगा गई थी, हिल गई थी, अभी जो है ये कंटिन्यू करेंगे शायद इसको थोड़ा टाइम के बाद में। थोड़ा टेस्टिंग वेस्टिंग चल रहा है इसका कि कहीं ख़राब तो नहीं है, वो हिसाब से। अभी भी बाहर जो है इसके बैरक लगे, मतलब टोटली रास्ता अलग जगह से है अंदर जाने का, यहाँ से मेन डोर बंद है। ये यहाँ से मेन डोर है, ये बंद है, दूसरी जगह से रास्ता चालू है। तो ये है सेगा बिल्डिंग। वाओ ये जो है ख्वाचान मार्केट है, ये भी अंदर रिनोवेट हो रही है। ये जो एडवर्टाइजमेंट लगा है इसके नीचे जो है पूरा चेंज हो रहा है। और ये खूबसूरत नज़ारा, ये देखिए एक्स रोड है, क्रॉस रोड है बड़ा, तो पब्लिक से यहाँ से जो है मूव हो रही है। ये काफ़ी बहुत बड़ा जो है यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल है। ठीक मैं सेगा बिल्डिंग के नीचे ठहरा हूँ। ठीक ये है सेगा बिल्डिंग, वेरी ब्यूटीफुल। और इसे कहते हैं ख्वाचान बे, आप जो देख रहे हो इसको कहते हैं ख्वाचान बे। ट्यून यर